गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 6 ही बज रहे होंगे। मैं उठ गई थी, उठ के अपना जो भी फ्रेश वगैरह होना है होके थोड़ा सा कंघी कर लिया था, क्योंकि सोशल मीडिया पे थोड़ा सा पैसे तो नहीं आते उजड़े पुजड़े बालों से। कंघी उंगी करने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने किचन के कामों में। आज है देवा का सुबह का मॉर्निंग का स्कूल और शांतनु का है पीटीएम। पीटीएम की वजह से ना इसके स्कूल में छोटे बच्चों को मॉर्निंग में कर दिए हैं, तो शांतनु को तो नहीं देना है पर देवा को देना है टिफ़िन बना के। और बाहर आप खिड़की से देख सकते हो कि अभी मतलब उतना साफ नहीं हुआ है पूरी तरह से, अभी आपको अंधेरा ही दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मेरी ड्यूटी शुरू हो गई। सबसे पहले किचन को थोड़ा सा कपड़े से मार देती हूँ, रात में तो साफ़ करके ही सोती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा किचन को क्लीन कर देती हूँ, ताकि जो है चींटे वगैरह आते रहते हैं ना, तो उनसे कुछ भी हो तो साफ हो जाए। फ्रेंड्स, उसके बाद सबसे पहले मैंने दरवाज़ा खोला आगे का और पीछे का, क्योंकि सुबह सुबह में ना दरवाज़ा खोल देना चाहिए। तो उसके बाद जो है यहाँ पे वही मैंने काटा भिंडी, और बनाऊँगी बच्चों के लिए पराठे और भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे बच्चों को ना भिंडी पराठे और पसंद है, तो इस वजह से यहाँ पर भिंडी का तड़का लगा दिया है। और अभी आटा गूँथ रही हूँ। इस बीच में मैंने देवा को उठा दिया है और शांतनु भी उठ गए हैं, अपना रेडी हो रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा देखिए पीछे साफ भी हो रहा है अच्छे से। 6 बजे तो वैसे साफ हो जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा पेड़ है ना पीछे, इस वजह से थोड़ा लेट में साफ हो रहा है। यहाँ पर मेरा आटा भी लग गया, आटा 10 मिनट रख दूँगी ताकि पराठे अच्छे से बने। रोटियाँ भी अच्छी बनती हैं, अगर तुरंत गूँथ के तुरंत बनाओ ना तो नहीं अच्छा बनता है, लेकिन थोड़ी देर अगर रख दो ना तो सॉफ्ट आटा जब हो जाता है 10 मिनट, तब तक मैं पानी बॉटल वगैरह में भरूँगी और तब तक इनका इधर का काम मेरा हो जाएगा। यहाँ पर मैं घी के जैसे कि बताती हूँ पराठे बनाती हूँ। पहली रोटी तो मैं चिड़िया या गाय के लिए ही बनाती हूँ। यहाँ पे पहली रोटी बन गई है, बाकी शांतनु को भी आज पराठे ही नाश्ता दूंगी, क्योंकि ना दूध पी के जाएगा फिर पता नहीं कितने बजे वो आएगा, और लंच वगैरह कुछ ले नहीं जा रहा है। रोज़ लंच ले जाता है तो दूध पी के जाता है, लेकिन आज टिफ़िन नहीं ले जा रहा है, इस वजह से जो है मैं उसको कहूँगी कि पराठे ही खा ले। यहाँ पे फ्रेंड्स, उसके बाद मैं जो है चली गई थी नहाने, पराठे वगैरह बना के। इसके पापा भी उठ गए हैं, क्योंकि मुझे पीटीएम में जाना है तो मैं नहा धो के ही जाऊँगी, तो इस वजह से। और टाइम था अभी 7 नहीं बजा था, इनको 7:05 पे मुझे लेके निकलना था, तो 7:05 पे जब तक निकलूँगी तब तक मैं पीटीएम में नहा धो के और रेडी हो रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कंघी वगैरह फिर से कर रही हूँ अच्छे से, थोड़ा होलिया ठीक करके अब मैं चल रही हूँ इनको पीटीएम में लेके जाने के लिए। देव को स्कूल छोड़ूंगी और शांतनु को पीटीएम में छोड़ूंगी। फ्रेंड्स, सुबह सुबह स्कूटी भी नखरे कर रही थी, पता नहीं क्यों स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, काफ़ी मुश्किलों के बाद स्टार्ट हुई है। आने के बाद मैं पी रही हूँ हल्का गुनगुना पानी, क्योंकि मैंने सुबह में आज नहीं लिया है और मुझे ना हल्का गुनगुना डेली ही पीने की आदत हो गई है, तो हल्का गुनगुना पानी ले। यहाँ पे देखिए देव दूध वगैरह पिया था तो कप पड़ा हुआ है। और आज जो है मैं ये सब ज़्यादा सफाई नहीं करूँगी, क्योंकि नहा धो ली हूँ ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आज पतिदेव पूजा किए हैं, हस्बैंड जी आज पूजा कर दिए, क्योंकि मैं पीटीएम में चली गई थी ना तो टाइम लग गया थोड़ा सा। उसके बाद आने के बाद जो डेली का हल्का फुल्का होता है ना क्लीनिंग, वही करूँगी, क्योंकि ये सब तो हेल्पर नहीं करती ना, तो ये सब करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे कुशन के कवर वगैरह जो मतलब कुशन वगैरह है वो सब ठीक कर दूँगी। उसके बाद नहाना तो है नहीं, मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी, थोड़ी गंदी लग रही थी तो आज चेंज कर दूँगी। और ये तब तक उठ के नहाने धोने गए हैं, अपना पूजा पाठ करेंगे, तब तक मेरे इधर के काम हो जाएंगे। आटा वगैरह लगा ही है तो पराठे बस इनके लिए बनाना है, तो बना दूंगी फटाफट। तो यहाँ पर चद्दर भी मैं चेंज कर ले रही हूँ, ये वाली चद्दर ना रात में इसके पापा को ठंड लगी थी, पता नहीं मौसम कैसा हो रहा है ना, 2-3 बजे के बाद सुबह में ना थोड़ी सी इनको ठंडी लगने लगी थी, तो निकाल के ओढ़ लिए थे, उनको ओढ़ने वाली चद्दर मिली ही नहीं थी, तो इस वजह से यही वाली चद्दर डाल दूंगी यहाँ पे मैं। और उधर मेरी हाउस हेल्पर भी तब तक आ जाएगी जब तक कि ये सब काम चलेगा, तो बिस्तर वगैरह झाड़ के उसके बाद जो है मैं किचन में लगूंगी। यहाँ पे फ्रेंड्स जो है ना, और जिस दिन सोचो ना कि आज काम कम है, उस दिन और ज़्यादा काम दिखता है, पता नहीं क्यों, मतलब
एक से एक काम दिखने लगते हैं। और ये सब तो डेली का काम है जो आज मैं कर रही हूँ, तो यहाँ पे कपड़े लगाने हैं उसको भी लगा दूंगी। देखिए बच्चे चेंज वगैरह करते हैं ना, तो ये कपड़े यहीं पे, जैसे एक दिन में 2-3 कपड़े हो जाते हैं, बच्चे खेलने जाता है, कोचिंग जाता है, पसीने वगैरह होते हैं ना, तो ढेर सारे हो जाते हैं। अच्छा थोड़े से मैं कपड़े जो बाथरूम में लेके गई ना उनको हाथ से धोना है, क्योंकि मैं जो हल्का फुल्का पहना रहता है, जैसे इनके शर्ट हो गए या मेरे कहीं सूट होते हैं, एक दो बार पहने रहते हैं हल्की फुल्की 5-10 मिनट के लिए, तो उसको मैं जो है हाथ से धो लूँगी। और बाकी तो कपड़े डेली वाले मशीन में लगते ही हैं। इधर हाउस हेल्पर भी आ गई थी तब तक मेरे इधर जो है कपड़े भी मैंने डाल दिया है। और डेली इतने कपड़े हो जाते हैं, एक ही दिन शायद थर्सडे के दिन नहीं होता है, तो उस दिन मुझे डबल धोने पड़ जाते हैं। बाकी कपड़े तो हो ही जाते हैं डेली, बच्चों के ना पार्क वगैरह जाते हैं, हमारे भी हो जाते हैं एक दिन में 2 कपड़े, तो इस वजह से। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं अपना आटा वगैरह रखना था मुझे कंटेनर में, तो ये भी रख देती हूँ अच्छे से, क्योंकि आज ही खोली हूँ पैकेट, आटा ख़त्म हो गया था। और अभी मैं नाश्ता नहीं की हूँ, इनको भी मैं नाश्ता वगैरह बना के दे दी, ये चले गए ऑफिस, और अब मैं करूँगी अपना नाश्ता। सुबह सुबह मन नहीं करता, तो जब ये चले गए हैं उसके बाद मैं अपना नाश्ता, 9 बज रहा है, ये 9 बजे चाहे तुम टिफ़िन दो ना दो कोई मतलब नहीं, मेरे हस्बैंड 9 बजे ना चले जाते हैं ऑफिस। तो यहाँ पे जो है मैं ये मतलब थोड़ा सा ये आटा वगैरह गिर गया था, तो उसको भी साथ के साथ साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि चिट्ठियाँ वगैरह आजकल ना बहुत जल्दी लग जाती हैं, और किचन ना साफ साफ रहता तो मुझे अच्छा भी लगता है। अच्छा मुझे शाम को डोसा बनाना है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा उड़द दाल उसमें मेथी दाना डाल के भिगो रही हूँ, और थोड़े से ना मोटे वाले जो चावल आते हैं ना एकदम से मोटे होते हैं वही वाला चावल है, उसको थोड़ा सा अच्छे से धो के और भिगो देती हूँ, क्योंकि शाम को मुझे ना डोसा बनाना है। और सांभर जो है ना इसी टाइम बना के रख दूँगी, दोनों टाइम का काम चल जाएगा। और मुझे आज ना अपनी फ्रेंड के साथ ब्लाउज देने जाना है, क्योंकि जहाँ मैं दे के आई हूँ ना वहीं मेरी फ्रेंड जो है थोड़ी सिलाई कम लग रही है, तो वहीं पे बोली है कि आज चल लेना टाइम है, तो आज दोनों बच्चे सुबह में गए हैं ना तो टाइम है, तो इस वजह से मैं उसके साथ चली जाऊँगी, इस वजह से ये सब काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं उसके साथ जाऊँगी। तो यहाँ पे इनके जो नाश्ता हुआ था ना वो एक दो बर्तन भी है वो वाले भी कर दूँगी, जो इनके प्लेट वगैरह हुए थे वो भी साथ साथ के धो लेती हूँ। और यहाँ पे अच्छे से चावल को और उड़द दाल तो धोना ही पड़ता है, और बर्तन अभी सूखा नहीं है तो बर्तन नहीं लगाऊँगी स्टैंड में मैं, जब सूख जाएगा तब लगा दूँगी। और उड़द दाल वगैरह धो के साइड में रख दिया है, ये शाम तक फूल जाएगा तो पीस वगैरह पीस के उसको रख दूँगी। यहाँ पे मैं अपने लिए चाय गर्म कर रही हूँ, और उसके बाद पराठे मैंने बना लिए थे, इनके साथ में ही बना लेती हूँ मैं साथ में, तो बस थोड़े से भुजिया और पराठे और चाय मैं भी यहाँ पे कर लूँगी नाश्ता। 9 बजे ये निकलते हैं, उसके बाद ही नाश्ता मैं कर रही हूँ, साथ में नहीं करने का मन किया। वैसे आज नहा धो ली थी तो कर सकती हूँ, डेली तो पूजा वगैरह रहता है तो नहीं कर पाती हूँ, पर आज मैं कर सकती थी। यहाँ पे मेरे पास ढेर सारी थोड़ी 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 सब्जियाँ नहीं बच जाती हैं, थोड़ा सा बनाओ तो बच जाता है, कद्दू बच गया, सारी थोड़ी गोभी बच गई, थोड़ी मतलब ऐसी सब्जियाँ थी, तो मैंने कहा चलो इनको काट के अच्छे से और इन्हीं का सांभर बना दिया जाएगा। सांभर के बच्चे सब्जी भी खा लेंगे इस बहाने से, और सांभर के नाम पे बच्चे खा लेते हैं, ऐसे बनाओ ना मिक्स वेज तो नहीं खाते, छोटे हैं ना दोनों, इस वजह से दोनों नखरे करते हैं। तो यहाँ पे वही मैं ढेर सारी सब्जियाँ और जो सब्जियाँ भिंडी वगैरह रहता है इनको मैं काट के रख देती हूँ, ताकि सुबह में बनाने में आसानी रहता। यहाँ पे देखिए ढेर सारी सब्जी मैंने कट कर लिया, और इनको काटने में ना छोटा छोटा करो ना तो टाइम लगता है, कद्दू है, लौकी है, शिमला मिर्च है, बैंगन है, बीन्स है, गोभी है, सारा सब्जी जो भी था थोड़ा थोड़ा सब मैंने कट कर लिया, और सब्जियाँ देखने में कलरफुल अच्छी लग रही थी ना। और यहाँ पे बस उनको घी में थोड़ा सा डाल के 1 सीटी लगाऊंगी, ताकि सब्जियाँ गल जाए ना तो क्या होगा कि बच्चे खा लेंगे, गल जाएगी तो मैस कर दूंगी, तो यहाँ पे घी डाल के और वही 1 सीटी लगाऊंगी, और फिर इसी कुकर में फिर दाल में 2 सीटी लगा दूंगी, फिर कढ़ाई में तड़का लगाऊंगी सांभर का, तो सांभर ऐसे टेस्टी भी बनता है। और बिना प्याज के लहसुन कुछ भी नहीं डालना इसमें, बस मसाले मसाले ही जो पड़ेंगे पड़ेंगे, तो इस वजह से ये वाली सब्जी थोड़ी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ढेर सारी दाल ले ली है मिक्स करके, थोड़ा थोड़ा करके सभी दालों को ले लिया है, और यहाँ पे दालों को भी रख दिया है, 2 सीटी लग गई है दाल में और 2 सीटी लग गई है सब्जी में, तो दोनों अच्छे से कढ़ाई में आसानी से मैश हो जाएगा, इस वजह से मैंने थोड़ा सा कर लिया। यहाँ पे जो है मसाले ले लिए, जैसे कि अजवाइन हुआ, सौंफ हुआ, मेथी हुआ, जीरा हुआ, सारा मसाला
मैं इसमें तड़के के लिए दे रही हूँ। साथ में लाल मिर्च, हींग, तेज पत्ता, कड़ी पत्ता सारा चीज़ डाल के अच्छे से, और उसकी खुशबू ना बड़ी अच्छी आ रही थी। उसके बाद थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी मिर्च कस करके डाला, क्योंकि अभी प्याज व्याज नहीं डालना कुछ भी। तो बस उसके बाद डाल दिया मसाले, और इसमें डालूँगी ढेर सारा टमाटर ताकि ये अच्छे से बन जाए सामर। और अभी इस टाइम में रोटी बना दूंगी, चावल बना दूंगी, तो भाई आएगा तो खाना खा लेगा और बच्चे भी खा लेंगे। फिर दो टाइम डोसा दोना तो मेरे नहीं खाते हैं इस टाइम भी, और शाम को नहीं खाएंगे, तो इस टाइम रोटी हो जाएगी तो सामर तो चल जाएगा। और शाम को जो है थोड़ा सा मैं वो बना दूंगी आपका ये क्या बोलते हैं डोसा बना दूंगी। और शाम को थोड़ा जाना है मुझे, मेला वाला लगा है यहाँ पे, तो बच्चों को लेके जाना है, तो उधर भी बच्चे कुछ कुछ खा लेंगे तो मन अलग चेंज हो जाएगा। उसके बाद मैं चली गई थी ब्लाउज वगैरह लेके देने, और अभी आने के बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे हेयर पैक जो कि केले और दही का है। और ये हेयर पैक जो है ना, बाल बहुत इस समय ना बरसात जब हुआ था ना तो रफ़ हो गए हैं और बहुत बेकार से हो गए हैं, टूट बहुत रहे हैं, मेन ये हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा घर की चीज़ों का यूज करूँगी। अच्छा, घर की चीज़ें ना कभी भी नुकसान नहीं देता है, फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान नहीं करेगा कोई भी। जैसे आप तुरंत बना के तुरंत लगाते हो, मुझे ऐसे लगता है। यहाँ पे डाल रही हूँ बादाम रोगन तेल, कोई भी तेल डाल सकते हैं, तो दिया है कि नारियल तेल, कोई भी तेल डाल के, और आप इनको अच्छे से बालों में लगाइए, 35 मिनट छोड़िए, उसके बाद धो लीजिए, कितना आसान काम होता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पीस ली हूँ ना, तो ये बालों में से निकल भी जाएगा, नहीं तो हाथ से मैश करो ना तो वो नहीं निकलता है, चिपक जाता है, तो मैं हाथ से मैश नहीं करती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पन्नी भी लगा लिया ताकि इधर उधर ना गिरे, और 45 मिनट तक रखूँगी, उसके बाद धो दूँगी। और मैंने ना रोटी पहले ही बना ली, जब भाई के लिए रोटी बनाया ना तो रोटी बना दिया था, उसके बाद हेयर पैक वगैरह लगाई। और अभी यहाँ पे कर लूँगी गैस क्लीन, ताकि मतलब रोटी बनाने का झंझट ख़त्म हो गया। बच्चे अभी नहीं आए हैं, दोनों जब आएंगे ना तब जो है खाना हम साथ में ही खा लेंगे, तब तक मैं अपना ये सारा काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे गैस वगैरह क्लीन कर देती हूँ, थोड़े से में ना गंदा रहता है तो यहाँ पे चींटे कीड़े क्योंकि खुला है ना पीछे तो आ जाते हैं, तो यहाँ पे सारा ये सब काम मेरा निपट गया। और तब तक बाल भी मेरे सूख जाएंगे तो धो लूँगी। अच्छा, यहाँ पे बच्चे अब जो है आ चुके हैं, भाई लेके आ गया, मैं नहीं गई थी क्योंकि मैंने बालों में लगा लिए, तो बोला कि भाई चला जाना, तो भाई जो है खाना वाना खा के चला गया था लेने, तो बच्चे आ गए हैं। और ये ड्रेस ना बहुत मतलब अभी जैसे कि शांतनु का स्कूल भी नहीं था, थोड़ा सा पहना था, कल ही धोई थी, तो मैंने कहा चलो इसको हाथ से ही धो के डाल देती। साथ में देव का एक दिन प्रोग्राम हुआ था तो वो भी धोती कुर्ता पहन के गया था, तो उसका भी पड़ा था, तो मैंने कहा वो भी, और इनके भी एक पैंट शर्ट था जो कि हल्का हल्का गंदा, तो जो ना हल्का एक दो घंटे पहना रहता है उसको मैं हाथ से धो लेती हूँ। मशीन में ना आधा मतलब 35 मिनट 45 मिनट ना मशीन कंटिन्यू चलती रहती है, तो कपड़े भी ख़राब होते हैं, लेकिन वही है मजबूरी है, सूखते नहीं हैं, इतने कपड़े कहाँ डाले जाएंगे। दूसरे इतना टाइम नहीं रहता कि हाथ से उतने कपड़े धोएं, तो ये हल्के फुल्के वाले मैं धो लेती हूँ, और उसके बाद जो है बाकी डेली वाले तो उसमें लगते ही लगते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को मैं अभी खाना पूछी तो बोले नहीं खाएंगे, तब तक मैं ये धो लूँगी और सिर भी धो लूँगी, उसके बाद साथ ही में हम लोग खाना खा लेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, और ऐसे आज का दिन का काम मैनेज की, और ऐसे ही मैनेज छोटे छोटे कामों को करके चलाना पड़ता है, और तब जाके घर चलता है। औरतें कहने के लिए होता है कि क्या करती हैं दिन भर, काम करो ना तो दिन भर काम है। तो चलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स।